ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे। मैं शिकायत भी करूं तो किससे करूं? बहुत मसला हो रहा है ना तुम्हें इस घर से और इस घर के लोगों से। एक काम करो, अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से, कहीं और जाके रहो। जोया तुम पागल हो? घर वालों को मुझसे मसला है, तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम यहाँ सुकून से रहो, मेरे साथ क्या ख्वार होती रहोगी? मैं तो किसी भी दोस्त के पास जाके ठहर जाऊंगा। जैन शायद तुम भूल रहे हो कि तुमने खुद ही कहा था कि मेरी शादी तुमसे हुई है, यहाँ के घर वालों से नहीं। इसलिए जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ मैं भी साथ जा रही हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम यहीं रहो। अरे दादी ऐसी बात थोड़ी है, मेरा अपना घर है, मेरा जब दिल चाहेगा मैं आऊंगी, लेकिन अभी जैन को अकेला नहीं छोड़ सकती मैं। अच्छी बात है, जाओ उसके साथ, उसको भी तुम्हारी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए ना। बस कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल हो तो तुम्हें पता है कि हम सब यही हैं। अपना ख्याल रखना। चाबियां दे दे गाड़ी की। क्या क्या क्या? फरकान मामू ने मांगी है चाबियां, जल्दी दे। देख लिया, क्या कह रही थी आप? वो धक्के मार के नहीं निकाल रहे ना ये धक्के? नहीं तो और क्या है? क्या मतलब कोई जगह नहीं है, इतना बड़ा घर तो है तेरा। यार शादी के लिए बाहर से मेहमान आए हुए हैं, कोई कमरा भी खाली नहीं है। बहुत माजरत है यार। अरे सॉरी किस चीज का भाई, कुछ कर ना, मुझे रहना है कहीं पे। तो तुम दो हफ्ते बाद आ जाओ। अरे दो हफ्ते बाद मैं क्या करूंगा, मुझे अभी जगह चाहिए। अभी तो कुछ नहीं हो सकता। लानत ऐसी दोस्ती पे जो वक्त पर काम ना आई। जैन कहाँ है अभी? मुझे क्या पता होगा कहीं। जोया ये क्या तरीका है, वो शौहर है तुम्हारा, उसने ना अपनी माँ का दिल दुखाया, अब जब तक वो उनसे माफी नहीं मांगेगा मैं भी उसे माफ नहीं करूंगी। हेलो। अरे वाह, मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी बंदोबस्त कर लोगे तुम घर का, मैं अभी सामान लेके आती। एक से रुको, वो बंदोबस्त अभी हुआ नहीं है लेकिन हो जाएगा। अच्छा तो फिर यहाँ क्या करने आया? वो हमें शायद 2-3 दिन, हफ्ता 10 दिन शायद इधर ही रुकना पड़ेगा। हमें नहीं सिर्फ मुझे, तुम उस वक्त तक अंदर नहीं आ सकते जब तक घर का बंदोबस्त ना कर लो। सोया क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? करेक्शन, बच्चों वाली बातें तुम कर रहे हो जैन, हम तुम्हारी वजह से उस घर से निकाले गए, अब करो बंदोबस्त। मैं कोशिश कर तो रहा हूँ। हाँ तो जब कोशिश में कामयाब हो जाओ ना, आ जाना मुझे लेने, मैं यहीं मिलूंगी। मुझे क्या पता कहाँ जाओगे, जहाँ जाना है जाओ, बल्कि वो सामने बेंच पड़ी है ना वहीं पे रह लो तुम। हम अंदर जाते हैं ना, बैठ के बात करते हैं, कॉफी शॉफी पीते हैं, थोड़ा रिलैक्स होके और फिर सॉल्व करते हैं ना। अंदर तुम सिर्फ एक शर्त पे आ सकते हो। फिर शर्त? क्या शर्त? अभी अम्मी को कॉल करो और माफी मांगो। ये बात बीच में कहाँ से आ गई? ये बात कहाँ से आ गई जैन? यही तो बात है, इसी वजह से तो तुम्हें घर से निकाला है। मैं किसी को कॉल नहीं कर रहा और मैं किसी से माफी नहीं मांग रहा। तो फिर यहीं बैठो। जोया जोया एक सेकंड, जोया एक सेकंड, मेरी बात तो, जोया 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 नहीं 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 अम्मा, ये आपकी ब्लड प्रेशर की दवा, ये खा लें ताकि मैं सोने जाऊं। जीती रहो बेटा। ये बताओ तुमने जोया या जैन को फोन किया? मैं क्यों करूं? अकल के नाखून लो। अरे अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम बच्चे को बागी कर दोगी। पहले कौन सा वो फर्मा बरदार है जो अब बागी हो जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बेवकूफी की बातें किए चली जा रही हो, अकल घास चरने गई है क्या? अम्मा इस मौजू पे अब मुझे कोई बात नहीं करनी और मैं किसी को कॉल नहीं करूँगी। Thank you.
जोया ये बहुत गलत हरकत है जो तुम कर रही हो। अम्मी आप रहने दें, आपको कुछ नहीं पता। जैन तुमसे बहुत मोहब्बत करता है इसलिए ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, वरना आदमी का दिमाग खराब होते देर नहीं लगती। दिमाग उसका पहले से ही खराब है, उसे ठीक करने के लिए तो ये सब किया जा रहा है। उसको कम से कम अंदर तो आ लेने दो। ठीक है, मांग ले अपनी माँ से माफी और आ जाए अंदर। वो उसका और उसकी माँ के बीच का मामला है। अम्मी आपने मुझे हमेशा यही सिखाया कि जो अपने माँ बाप से बदतमीजी करता है वो लोग बदकिस्मत होते, और मैं अपने शौहर को बदकिस्मत हरगिज नहीं होने दूंगी। आप रुको, मैं देखती हूँ। कौन? मैं हूँ। मैंने घंटी बजाई। फरमाइए। वो कोई मस्कीटो रिपेलेंट लोशन, कोई स्प्रे वे कुछ होगा। क्यों यार, मच्छर बहुत काट रहे हैं, पूरी रात कैसे गुजारूंगा यहाँ पे। वो तुम्हारा मसला है। थोड़ा सा ख्याल कर लें आप, मैं घर पे घर वाले खून पिए जा रहे हैं, यहाँ पे मच्छरों ने खून चूस के उसके बुरा हाल कर दिया है। आप तो ऐसे बिहेव करिए जैसे आप जानती ना हो मुझे। अच्छा रुको। यस। ये लो। ये क्या है? लोशन नहीं है हमारे घर में, ये चादर ओढ़ के बैठ जाओ। इतनी गर्मी में ये चादर ओढ़ के बैठ जाऊं? अरे आसपास पड़ोस वाले सोचेंगे कोई चर्सी बैठा हुआ है। वैसे हैरत की बात है, इस हाल में भी तुम्हारे नखरे खत्म नहीं हुए। नखरे नहीं, ये स्टैंडर्ड्स होते हैं कोई रहन-सहन के। जाओ शाबाश, ये चादर ओढ़ के बैठो और अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करो। कॉल आई? नहीं। तुमने की? नहीं। तो कर लो ना, पता तो चले कहाँ है। हेलो हेलो, कहाँ हो जोया? अम्मी के घर। और जैन? अम्मी के घर के बाहर। मतलब? मतलब ये कि मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया, और जब तक वो आप लोगों से माफी मांग नहीं लेगा मैं अंदर आने भी नहीं दूंगी। वहां भी तुम मेरा केस लड़ रही हो? जरूरी था अम्मी। मैं वादा करती हूँ आपसे, जैन आपसे माफी मांगेगा और उसको अपनी गलती का एहसास भी होगा। जीती रहो जोया। वो जैन ने खाना खा लिया? पता नहीं, उसको पूछ लो, कहीं भूखा ना बैठा हो ना। आप कहती हैं तो पूछ लेती हूँ, लेकिन आपको पिघलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दिल का हाल कैसे जान लेती हो? आपकी आवाज आपके दिल का हाल सब बयान कर रही है। लेकिन अम्मी वादा करें, आप हल्की नहीं पड़ेंगी। जब तक जैन आपसे माफी नहीं मांग लेगा और अपनी गलती का उसे एहसास नहीं हो जाता, तब तक आप उससे कोई बात नहीं करेंगे। वादा करें मुझसे। वादा। चले अब मैं जाती हूँ, उसे खाने का पूछती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी जैन कहाँ गए? अल्लाह जाने, अब जाहिर है यहाँ बैठा तो नहीं रहेगा।
पता नहीं कहाँ चला गया, इसने फोन भी ऑफ कर दिया। जान देख कुछ किया है, मुझे पता है तंग कर रहा होगा मुझे। कैसा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चिलिंग। बाहर बेंच पे जाके ना अपनी चिलिंग करो। तुम्हें अंदर किसने आने दिया है? मैंने। ये लो बेटा। थैंक यू आंटी। मुझे मेरा पहला दिन याद आ गया जब मैं पहली दफा यहाँ आया था, पहली दफा आपसे मिला, पहली दफा आपके हाथ की चाय पी, पहली दफा ज़ोया को देखा। और मैं पहली दफा तुम्हें कह रही हूँ कि निकलो यहाँ से, इसे आखिरी बार ही समझना, समझ आ रही है? और आप मुझे जरा बताएं, आपने इसको अंदर क्यों आने दिया? पहली वजह तो ये है कि ये मेरा घर है और यहाँ मेरी बात चलती है। दूसरी वजह ये कि तुम मानो या ना मानो लेकिन इसके बाहर होने से तुम भी बहुत परेशान थी। Yes, exactly. मैं कोई परेशान वरेशान नहीं थी। बेटा तुम इसकी बातों का बुरा नहीं मनाना, यहाँ सुकून से रहो और कोई चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना, ये तुम्हारे घर है बेटा। थैंक यू आंटी, यू आर सो स्वीट। अच्छा जी, हम आज यहां सोएंगे। हम नहीं, सिर्फ मैं। तो मैं कहां जाऊंगा? जिन्होंने तुम्हें अंदर बुलाया ना, जाओ उनसे जाके पूछो। ज़ैन, डिटाई मत दिखाओ यार। मैं तो दिखाऊंगा, जब तक तुम मुझसे सही तरह से बात नहीं करोगी मैं तो डिटाई दिखाऊंगा। तुम्हें मेरा बात ना करना बुरा लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल लग रहा है। अपने घर वालों के बारे में सोचो, जब तुमने उनसे बदतमीजी की थी उन्हें क्या फील हुआ होगा, कितना बुरा लगा होगा, शायद तुम्हें कुछ रियलाइज हो जाए। मुझे सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचना, तुम्हारे अलावा मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना। और अगर किसी को कुछ रियलाइज करने की जरूरत है तो वो है जिन्होंने हमें घर से बाहर निकाला। हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। अपनी मर्जी से आई? मैं लाइट ऑफ करने जा रहा हूँ। खबरदार जो तुमने लाइट ऑफ की तो। तुम सोने लगी हो? हाँ मैं लाइट ऑन करके सोऊंगी। तुम्हें जानबूझ के कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है कि रोशनी में मुझसे सोया नहीं जाता। तुम्हारा मसला। इतनी जिद्दी क्यों? ओह ओह सॉरी, तो भूल गया, आप टॉरस है ना, मैं आपको कहीं ना कहीं तो दिखाना। मैं सोने लगी हूँ, बहस मुझे नहीं करनी, ठीक है? गुड नाइट। ठीक है, मैं भी फिर आज रोशनी में सो के दिखाऊंगा, नहीं जाऊंगा कमरे से बाहर। Thank you.
थैंक यू आंटी। नहीं आप उसको इतना मक्खन लगा लगा के क्यों दे रही, हाथ सलामत है उसके, खा लेगा वो। सोया जरा लिहाज करो। आंटी ठीक कह रही हूँ, सुबह सुबह इतनी नेगेटिविटी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। बी पॉजिटिव। बाय देखो, इतना अच्छा मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, बालकनी पे जाके ना गहरी गहरी सांस लो। ब्रीथ इन, 10 तक खुल के होल्ड करना है, ये करो, मेडिटेट, सुकून मिलेगा। तुम ना अपना मुंह बंद रखो। सोया तमीज से। मैं ना इधर नाश्ता कर ही नहीं सकती। वापस बैठो। मैं नहीं बैठ रही। बैठो यहाँ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। 2 दिन के बाद मेरी फ्लाइट है, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। क्या इतनी जल्दी? बेटा मैं बस इतने दिनों के लिए ही आई थी। आपने बताया नहीं? इसके इसी रिएक्शन की वजह से नहीं बताया था। लेकिन आप जाएंगी ना तो मेरी शामिल आता ना, मेरी खैर नहीं होगी। क्यों खैर नहीं है, ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ जब तक चाहो रह सकते हो बेटा। सुन लिया आपने? मुझे एक तो ये समझ नहीं आता आप इसको इतना शह देती क्यों। हाँ इसको बोले कोई काम धंधा ढूंढे, कब तक ससुराल के आसरे पे पड़ा रहेगा। मैंने तुम्हें बात करने से मना किया है ना, ये जब तक यहाँ इसका दिल चाहेगा यहाँ रहेगा। और दूसरी बात ये कि मुझे तो अपने दामाद की खिदमत करने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा है इसी बहाने मैं कुछ टाइम जैन के साथ गुजार लूंगी। आंटी बैग खत्म हो गई। आंटी खाओ। औलाद के मामले में तो पत्थर भी पिघल जाते, तुम्हारे सीने में तो फिर भी माँ का दिल। मैं ठीक हूँ, वैसे ही आई थी देखने। क्या देखने आई थी? ये कि कोई देख रही थी, खाली जगह है तो घर का फालतू सामान ला के यहाँ रख दो। इधर देखो, अब भी वक्त है बेटा, देर नहीं हुई, बुला लो उसे, वो आ जाएगा। नहीं मुझे बुलाना ही नहीं है। क्यों अपने आप को अजियत दे रही हो? जब से यहाँ से गया एक एक फोन करने की तौफीक नहीं हुई उसे। अरे वो किस मुंह से फोन करेगा, तुम लोगों ने खुद ही तो उसे घर से निकाला, उसके फोन का इंतजार क्यों कर रहे हो? इतने साल रखा भी तो था, पाल पोस के बड़ा भी तो किया था, इसका ही लिहाज रख लेता। बेटा रातों रात घर से बेघर हो जाना कोई आसान बात नहीं। तुमने उससे उसकी खैरियत पूछी कभी कि किस हाल में है वो? पूछ लिया था जोया से, अच्छा ही हाल में है। पार्टी बदल ली है ना आपने? जो तुम समझो। सच बताओ ना तो मुझे ससुराल में इतनी ससुराल वाली फीलिंग नहीं आती जितनी यहाँ आती है। आपको जैन और जोया को घर में पनाह नहीं देनी चाहिए, खास तौर पे जैन। अरे कॉफी पसंद आ गई तो थोड़ी तारीफ ही कर दो, कौन सी कोई क्यामत आ जाएगी। नहीं पसंद, जहर है जहर, बहुत बकवास बनाई।